सभी दोस्तों का वेलकम है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चंपा के प्लांट पे। तो देख सकते हैं ये है चंपा का प्लांट और इसके फ्लावरिंग आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत फ्लावर हैं। और दोस्तों इसमें से हल्की हल्की खुशबू भी आती है। तो चंपा से पहले आपको अपने टेरेस गार्डन के कुछ और प्लांट दिखा देता हूँ, फिर हम बात करेंगे चंपा के प्लांट पे। तो उससे पहले इधर देखिए, ये है दोस्तों बोगनविलिया। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रही है। और ये देखिए, ये है बोगनविलिया। ये जंगली, मतलब जो रोड के किनारे होती है उसे जंगली कहते हैं। तो ये वो है, मैं कटिंग लाया था और ये मैं नर्सरी से प्लांट लाया था। और एक प्लांट आपको और दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये जो बोगनविलिया देख रहे हैं ये भी मैंने कटिंग से तैयार की है। तो चलते हैं अपने चंपा के प्लांट पे। तो हमारा ये है चंपा का प्लांट। तो देख सकते हैं सर्दियों में इसकी जो है कि जो इसकी ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो और जैसे ही गर्मियां आती हैं, मार्च अप्रैल का समय आता है, तो इसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और ये जो चंपा का प्लांट देख रहे हैं, ये देखिए बाल्टी में लगा रखा है, 20 लीटर की बाल्टी है उसमें लगा रखा है। और ये मेरा जो प्लांट है वो 3 से 4 साल हो गया है इसको। तो देख सकते हैं इस पर कई बार फ्लावरिंग हो चुकी है और ये काफ़ी इसमें ज़्यादा ब्रांचें भी आ गई हैं। तो मैंने इसकी कटिंग भी की थी, यहाँ से इसकी एक मेन जो ब्रांच जा रही थी मैंने उसे काट दिया, फिर यहाँ से 4 निकली हैं। और 4 जब आते आते देख सकते हैं यहाँ से फिर 3 हो गई। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ तो यहाँ से और निकलेंगी। तो जो चंपा का प्लांट है इसकी अगर आप कटिंग करते रहेंगे तो ये बहुत घना हो जाएगा, और जितने ही ज़्यादा घना प्लांट होगा इस पर फ्लावरिंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो दोस्तों इस प्लांट को फुल सनलाइट बहुत पसंद है, तो आप इसे फुल दिन की सनलाइट में रखें तो ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और देख दिखा देता हूँ, ये देखिए देखिए कितने खूबसूरत गुच्छे से फ्लावर आ रखे हैं इस पर। तो दोस्तों इसकी यही है कि इसे अगर आप फुल दिन की सनलाइट देंगे तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और दोस्तों इसको पानी बहुत ही कम चाहिए होता है। तो दोस्तों ये देखिए, जो जिस बाल्टी में मैंने लगा रखा है इसकी मिट्टी एकदम सूखी हुई है। तो अगर आप इसे डेली डेली पानी देते रहेंगे तो जो इसकी लकड़ी होती है, जो ये तना जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही मुलायम होता है। अगर इसको मैं ऐसे करके तोडूं तो ये टूट जाएगा और इसमें से वाइट सा जो लिक्विड होता है तो वो अपने स्किन से दूर रखें, क्योंकि वो थोड़ा जहरीला होता है। तो आप छोटे घर में बच्चे हो तो वो इस प्लांट को डैमेज ना करें। अगर इस प्लांट को डैमेज करते हैं तो इसमें से लिक्विड निकलता है, वो बहुत ही ख़राब होता है। तो बस आप इस प्लांट को लगाइए और इसकी खूबसूरती देखिए। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर ये अच्छी लगी हो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।